any seat. A submarine. Hi everybody. Myself Sandeep Gupta. Ex-submariner of Indian Navy. I remember I joined submarine arms in 1992 of basic 44 submarine course. And I passed out from INS Satwana in 1993. I got Dolphin 1993. I was an alumni of 44 submarine basic course. It was a submarine who made me tough and confident person in my life. You can see INS Sandeep. Actually, INS Sandeep means Indian Naval Submariner Sandeep. मैंने अपने घर का भी नाम संदीप रखा है सबमरीन से इंस्पायर होकर. और आज मेरी जिंदगी में इंडियन नेवी और स्पेशली सबमरीन का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है, जिस मुकाम पे मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ. सबमरीन ने मुझे ना सिर्फ वो कॉन्फिडेंस दिया, वो आगे बढ़ने की क्षमता दी, ट्रेनिंग दी, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की कॉन्फिडेंस पैदा मेरे अंदर किया. बल्कि इसके साथ साथ मुझे बहुत सारे दोस्त भी दिए जो आज भी मेरे साथ हैं. मुझे याद है बहुत सारी मेमोरीज हैं सबमरीन की, सबमरीन सर्विस की मेरी लाइफ में. स्पेशली हमने इंडिपेंडेंस डे जो हमारा गोल्डन जुबली इंडिपेंडेंस डे था, 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे, हमने अंडर वाटर अराउंड 250 मीटर अंडर वाटर हमने सेलिब्रेट किया था. दैट टाइम आई वॉज इन सिंधु रत्ना और हम सेलिंग कर रहे थे. कारगिल वार का भी वो दौरान मुझे याद है जब हम लोग की सबमरीन कराची ऑफ कराची डिप्लॉय थी एंड हम रेडी थे फुल फ्लैश वार के लिए. हमारे पूरे टॉरपेडो रेडी थे कराची को डिस्ट्रॉय करने के लिए. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कन्वेंशनल वार नहीं हुई उस टाइम पे और मामला सुलझ गया. अदरवाइज इंडियन नेवी में हम लोग भी रेडी थे और स्पेशली सबमरीन हमारी रेडी थी अटैक करने के लिए. अभी कुछ साल पहले ही मुझे मौका मिला, गोल्डन जुबली हमारी सबमरीन नाम की थी, विशाखापट्टनम में सेलिब्रेट हुई थी और मुझे भी इनविटेशन मिला था. उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट जो हमारे प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंटली कोविंद जी, उनको वो वहाँ पे प्रेसिडेंट कलर देने आए थे और मुझे विशाखापट्टनम जाने का मौका मिला. और मुझे याद है जब हम लोग फ्लाइट में बैठे हुए थे तो पूरे सबमरीनर एक्स सबमरीनर फ्लाइट में भरे हुए थे और अनाउंसमेंट हुआ था कि वी हैव वेटनर ऑफ सबमरीनर सबमरीन आर्म्स एंड पूरे सब लोगों ने क्लैप करके हम लोगों का हौसला बढ़ाया था. इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मेमोरीज हैं जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता. मेरी सर्विस मुंबई, विशाखापट्टनम और लास्ट में दिल्ली में हुई. सबमरीन ने, लोग पूछते हैं कि संदीप तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस, वो कुछ करने की जो जोश है, जुनून है, वो तुमको कहाँ से मिलता है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो मैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि वो सबमरीन की ट्रेनिंग है, वो सबमरीन आर्म की सर्विस है जिसने मुझे इतना टफ बनाया, इतना कॉन्फिडेंट बनाया, वो जो मेरे आज तक काम आ रही है. कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई लोग अप्रिशिएट करते हैं, ये पब्लिक लाइफ में ये होता है. तो जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जिस माहौल में हुई है, जो टफनेस मुझे मेरी ट्रेनिंग से मिली है, वो सब मुझे सहन करने की शक्ति देती है. और जो अप्रिशिएट करते हैं उसके लिए मैं इंडियन नेवी और स्पेशली सबमरीन आर्म्स को थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि जो मैं आज हूँ उसी की वजह से हूँ. तो मैं आज इस मौके पर सबमरीन डे के आज इस उपलक्ष्य में मैं सभी को जो हमारे स्पेशली यंगस्टर हैं उनको आह्वान करता हूँ कि आए इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें, सबमरीन ज्वाइन करें, कमांडो बने, पैराडाइवर बने. डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू दून डिफेंस एकेडमी. और जो मोटिवेशन, जो गाइडेंस, जो भी इंडियन नेवी ने स्पेशली सबमरीन आर्म ने मुझे दिए, आज मैं आप लोगों को स्पेशली यंगस्टर को प्रोवाइड कर रहा हूँ. पिछले 15 सालों से दून डिफेंस एकेडमी लगातार अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ऑथेंटिक एजुकेशन, रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है. उसका बहुत बड़ा रीज़न है जो मेरा बैकग्राउंड है, स्पेशली
15 ईयर्स का जो इंडियन नेवी का बैकग्राउंड है, स्पेशली सबमरीन का जो बैकग्राउंड है, जिसने सब कुछ मुझे सिखाया, आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो इस मौके पे एक बार मैं फिर अपनी तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से, अपने तमाम बैचमेट की तरफ से, स्पेशली सबमरीनर जो मेरे बैचमेट हैं, उन सबकी तरफ से आप सबको हैप्पी सबमरीन डे बोलता हूँ। और हमारे सबमरीन में देयर वाज अ सेइंग, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड एट वॉर। आपकी ट्रेनिंग जितनी टफ होगी, आपके आने वाले दिन उतने ही ईजी रहेंगे। और मैं ये चीज़ कहता भी हूँ स्टूडेंट से, स्पेशली जो आपका अभी 12th के बाद ये टाइम है, अगर आप एक साल दो साल की मेहनत कर ले तो आपको ज़िंदगी भर आसानी रहेगी, लेकिन अगर आपने अभी एक दो साल की आराम करने का सोचा है तो ज़िंदगी बड़ी टफ होने वाली है। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं फिर से यही कहता हूँ कि आए, हमारे साथ आएँ, दून डिफेंस अकेडमी के साथ आएँ, और मिल के जो एक्सपीरियंस मेरे को, मेरी पूरी टीम को है, उसका लाभ उठाते हुए आप ज्वाइन करें। और आपके भी अगर सपने हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में एक दिन सबमरीनर बनने के, डाइवर बनने के, कमांडो बनने के, मार्कोस बनने के, तो हम आप दोनों मिलके आपस में आप एक दूसरे के सहयोग से साकार कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। एंड आज भी मेरे ये जो सर पे आप कैप देख रहे हैं, ये हमारे सबमरीन का है। ये मेरे शरीर पे जो टी शर्ट देख रहे हैं सबमरीन की है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं सबमरीन का है। और स्पेशली ये मोमेंटो जब गोल्डन जुबली हुई थी हमारी विशाखापट्टनम में, उस दौरान मुझको ये मिला था। आज भी ये आप सबमरीन देख रहे हैं मेरे पास, मेरे ऑफिस में रहता है। और जब भी मैं इसको देखता हूँ, इंस्पिरेशन मुझे लगातार मिलती रहती है अच्छा करने की। और बस इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं, और ज्वाइन करें इंडियन आर्म फोर्सेस। और मैं आपका संदीप सर आपके साथ हूँ हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।